मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 23 से लेकर 26 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी के उपदेश पर एक बहुत बड़ा समीकरण, परमेश्वर के राज्य का एक बहुत बड़ा समीकरण बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अध्याय 5 से लेकर अध्याय 7 तक पहाड़ी का उपदेश बताया गया है। इस पहाड़ी के उपदेश में बहुत सी चीज़ों का खुलासा प्रभु यीशु मसीह ने किया, इतना बड़ा खुलासा कि इस संसार में जो अंधकार है, जो ज्ञान का अंधकार है, जो परमेश्वर के प्रति अंधकार है, उन सब अंधकार को चीरता हुआ और एक बड़ी रोशनी को फैलाता हुआ ऐसे परमेश्वर का ज्ञान था। और प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों को बताया, प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों के बारे में जिक्र किया, बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सुना और उसके द्वारा अपने जीवन को बदला। यहाँ तक कि यह कहा जाता है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता है श्री महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी इस पहाड़ी का उपदेश पढ़ा तो उनको भी ये बहुत अच्छा लगा और उस पहाड़ी के उपदेश का असर उनके जीवन पर भी था। तभी उन्होंने ये कहा भी था कि यदि तुम्हारे गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल भी आगे करो। अहिंसा परमो धर्म, इसके विषय में उन्होंने बताया। अहिंसा की राह पर चलते हुए भारत की आज़ादी की ओर लेकर चले गए, भारत आज़ाद भी हुआ और बहुत से लोग थे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी अपनी जान पर खेलकर भारत को आज़ाद किया। और इस वचन में प्रभु यीशु मसीह जो पहाड़ी के उपदेश में बहुत सी चीज़ों में विस्तार से बताता है, चाहे वो गुप्त प्रार्थना हो या गुप्त उपवास हो या गुप्त दान धर्म हो या किसी को मदद करना हो, कैसा प्रेम भाव रखना हो, क्या क्या परमेश्वर को भाता है, क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है, इन सारी बातों के बारे में इस पहाड़ी के उपदेश में बहुत ही विस्तार से और सटीकता से प्रभु यीशु मसीह ने बताया। उसी तहत प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है कि जब तुम परमेश्वर की भवन में जाओ या परमेश्वर के पास जाओ और जब कोई भेंट लेकर तुम जाओ वेदी पर, उसकी वेदी पर भेंट चढ़ाने जाओ या भेंट को सुपुर्द करने जाओ या भेंट वहाँ पर रखो, जब ये करो और जब तुम ये करते समय तुम्हें ये बात पता चले कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरोध में कुछ है या तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के विरोध में कुछ है, तो सबसे पहले वो जो भेंट है वो वहीं पर छोड़ दो और पहले जाकर अपने भाई से मिलो और उससे मेल मिलाप करो। जो कुछ भी उसके विषय में तुम्हारे हृदय में है पहले वो निकाल दो, या उसके हृदय में आपके विषय में जो कुछ भी है उसे निकाल दो, पहले मेल मिलाप करो और जब ये मेल मिलाप हो तो वापस से परमेश्वर के पास आओ और जो काम तुमने आधा अधूरा छोड़ा था, जो भेंट लेकर तुम परमेश्वर के पास आए थे, जो भेंट समर्पण करने कर रहे थे, उसी दौरान तुम्हें पता चला कि तुम्हारे भाई के हृदय में तुम्हारे विरोध में कुछ है या तुम्हारे हृदय में तुम्हारे भाई के विरोध में कुछ है, पहले वो जाकर मेल मिलाप करो और वो मेल मिलाप करने तुम गए, मेल मिलाप हो गया, अभी आकर जो भेंट तुम परमेश्वर को समर्पित करने वाले थे उस भेंट को तुम परमेश्वर को समर्पित करो तो वो भेंट स्वीकार ली जाएगी, तो वो भेंट परमेश्वर स्वीकार करेगा। और जब ये स्वीकार होगा तो बाइबल बताती है कि ये बहुत ही आशीष का कारण बनेगा, वरन यदि ऐसा नहीं होगा और रास्ते में ही तुम्हारा जो प्रतिवादी है वो तुम्हें मिलेगा तो वो तुम्हें हाकिमों को सौंप देगा, वो तुम्हें अधिकारियों को सौंप देगा और तुम्हें ऐसी जगह डाल दिया जाएगा जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। कितना विस्तार से परमेश्वर ने बताया है। इस वचन से जो बात हमें बहुत ही विस्तार से पता चलती है वो यह है कि जैसे कि हम पाटन में जाते हैं गाँव में, तो
हाईवे पर बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी, बहुत इतने सारे बोर्ड लगे हैं, नज़र रास्ते में जो स्पीड होता है उसको कंट्रोल में रखने के लिए या अपने आप को रास्ते में अपनी निगाहें टिकाए रखने के लिए बहुत से वहाँ पर स्लोगन लिखे होते हैं। उसमें एक स्लोगन है जो हर एक को पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। और बिल्कुल उसी रीति से इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो बात सही में सच है कि यदि हम गाड़ी चलाते हैं और नज़र यहाँ की वहाँ हो जाती है या झपकी लग जाती है तो हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत है। लेकिन जब हम अपनी नज़र को टिकाए रखते हैं, चौकन्ने रहते हैं, तो हमारा जो एक्सीडेंट है वो होने के चांसेस बहुत ही कम या ना के बराबर हो जाते हैं। वो सही बात है। बिल्कुल उसी रीति से आत्मा में भी वैसा ही है। आपकी नज़र हमेशा परमेश्वर की ओर रहनी चाहिए, उसकी बातों की ओर रहनी चाहिए, उसके कार्य करने के तौर तरीके की ओर रहनी चाहिए। जब आपका ध्यान, आपका लक्ष्य परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के तौर तरीकों पर, परमेश्वर की योजनाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर रहता है तो ये ज़्यादा चांसेस होता है कि आप ज़्यादा आशीषित होंगे। यदि आप परमेश्वर में चल रहे हैं, विश्वास की यात्रा में हैं और आपकी नज़र इधर उधर घूम रही है, कभी झपकी भी ले रहे हैं, तो हो सकता है दुर्घटना हो सकती है। हो सकता है जो आशीष आपको मिलने वाली है उसको बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है कि जो आशीष के लिए आज का दिन ठहराया है परमेश्वर ने, लेकिन आप झपकी खाए हुए हैं, लेकिन आप अपनी नज़रों को भटकाए हुए हैं, शायद इसी आशीष को एक साल लग जाएगा। क्यों? आपकी वजह से, क्योंकि आप झपकी में हैं, आप अपनी नज़रों को इधर उधर भटकाए हुए रखे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है आपकी नज़र परमेश्वर में बनी रहनी चाहिए। ये वचन यह हमें बताता है कि हमारी नज़र हमेशा परमेश्वर की ओर रहनी चाहिए। हमेशा विश्वास की यात्रा में हमें चौकन्ने रहने चाहिए। इस विश्वास की यात्रा में यात्रा करते समय ऐसा नहीं है कि बहुत ही आराम से हो जाएगा, नहीं, हर एक विश्वासी को कीमत चुकानी पड़ती है, किसी भी रीति से किसी भी तरह से कीमत चुकानी पड़ती है। और इस कीमत को चुकाते समय या इस विश्वास की यात्रा को तय करते समय बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से फायदे नुकसान होते हैं, बहुत से कमियां होती हैं, बहुत से बहुतायत होती हैं, सब होता है, बारिश आती है, धूप आती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन इन सब में आपको टिके रहना चाहिए और ये टिके रहने के लिए परमेश्वर ने बहुत से नियम बताए हुए हैं, बहुत से विकल्प बताए हुए हैं, बहुत से रास्ते बताए हुए हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद से कहा था कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हाँ, वो रास्ता है परमेश्वर की ओर जाने का, वो रास्ता है जिस रास्ते से आशीष हमारे पास आती है। ये वही एक में वो रास्ता है जिस रास्ते से हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचती है और ये वही एक रास्ता है उसी के द्वारा परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर हमारे भीतर आता है। क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, क्या बताता है कि एक इंसान परमेश्वर से प्रेम रखता है, एक इंसान परमेश्वर पर श्रद्धा भाव रखता है, एक इंसान परमेश्वर पर विश्वास करता है और वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने आया है। वो भेंट चढ़ाने के लिए आया है परमेश्वर को। इसका मतलब आप देखना कि उस इंसान का और परमेश्वर का, या उस इंसान परमेश्वर से उस इंसान का नाता कैसा है। वो परमेश्वर को भेंट देने के लिए आया है, प्रार्थना करने के विषय में नहीं लिखा है, वो पश्चाताप करने के विषय में नहीं लिखा है, ये लिखा है कि वो भेंट देने के लिए आया है। इसका मतलब वो अच्छा विश्वासी है, वो पश्चाताप के विषय में जानता है, वो प्रार्थना के विषय में जानता है, वो उपवास प्रार्थना के विषय में जानता है। एक अच्छा भला चंगा वो विश्वासी है, उसको इसीलिए उसके लिए उसके बारे में कहा गया है कि वो भेंट चढ़ाने के लिए आया है। भेंट चढ़ाना इसका मतलब वो पश्चाताप से भी आगे है, वो पश्चाताप करना जानता है या पश्चाताप से वो आगे है, नॉर्मल प्रार्थना से वो आगे है और बहुत सी चीज़ों से वो आगे हैं। एक अच्छा सच्चा परमेश्वर को भाया हुआ ऐसा एक अच्छा विश्वासी है जो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है उसी दौरान उसे ये बात पता चलती है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो गलत है। क्या गलत है? उसके विषय में ये लिखा गया है कि तेरे भाई के हृदय में तेरे विषय में यदि विरोध है, या तेरे हृदय में तेरे भाई के विषय में विरोध है, तो पहले जाकर मेल मिलाप करो। जो गलत है उसको सीधा करो, जो आड़ा टेढ़ा है उसको सीधा करो, जो अंधेरे में है उसे प्रकाश मिलाओ, जाओ पहले मेल मिलाप करो। वो जो भेंट तुम मुझे देने के लिए आए हो, समर्पण करने के लिए आए हो, वो ऐसे ही रखो, वो काम पहले ऐसे ही रखो। जो पहला आड़ा टेढ़ा है उसको सीधा करो, जो अंधेरे में उसे प्रकाश में लाओ, जो गलत है उसे सीधा करो। और वो जाता है, अपने भाई से मेल मिलाप करता है और वापस वो भेंट परमेश्वर को बहुत ही नियमता के साथ परमेश्वर के सामने समर्पित करने आता है, तब वो भेंट स्वीकारी जाती है। बिल्कुल इसी रीति से जब हम विश्वास की यात्रा में रहते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, आप प्रार्थना करते हैं, आप एक विश्वासी जन है, ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जब आप प्रार्थना में आते हैं, जब वचनों को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, या परमेश्वर अपने तरीके से आपसे बातचीत करता है, शायद वो सपने के द्वारा हो सकता है, शायद वो वचनों के द्वारा हो सकता है, शायद वो किसी की गवाही के द्वारा हो सकता है, चाहे किसी विश्वासी भाई बहन से बातचीत करने के द्वारा हो सकता है, और तब हमें ये बात पता चलती है कि ये मेरे जीवन में गलत है। इसके जीवन में क्या गलत था? इसके जीवन में ये गलत था कि इसके भाई के हृदय में इसके विरोध में कुछ था, या इसके हृदय में अपने भाई के विरोध में कुछ था, ये गलत था, और उसको वो सीधा करने के लिए बोला गया, वो पहले सीधा करो, बाद में तुम मेरे पास आओ और भेंट को समर्पित करो, मैं स्वीकारूंगा। वैसे ही आप जब प्रार्थना में आते हैं, आप अपनी भेंट को लेकर आते हैं, आप अपने हृदय को लेकर आते हैं। मराठी में बहुत सुंदर गाना है, भेंट ही माझी स्वीकार तू माझा पिता, तन मन माझे सर्वची तुझे। परमेश्वर को ये बताया जाता है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने एक भेंट के रूप में चढ़ाए, हम अपने विश्वास को भेंट के रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाए, हम अपने जीवन में जो कुछ है उसमें से हम परमेश्वर के सामने भेंट में कुछ चढ़ाए। लेकिन ये चढ़ाते समय यदि आपके जीवन में कुछ गलत है तो वो भेंट स्वीकारी नहीं जाएगी, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, उस प्रार्थना के विषय में जवाब नहीं आएगा, ये हमारे ऊपर है। परमेश्वर ये कहता है कि जो कुछ भी गलत है पहले उसे सीधा करो, जो तुम कर सकते हो उसके लिए परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम तो भेंट स्वीकारने के लिए आए हो, अच्छी बात है, तो तुम्हारे भाई के हृदय में कुछ विरोध है, मैं उसको निपटा दूंगा। नहीं, वो निपटाने के लिए आपको बोला गया है। यदि व्यसन आप जब प्रार्थना में आते हैं, बाइबल सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, गवाहियाँ सुनते हैं, और तब आपको बात पता चलती है कि मेरे जीवन में ये गलत है, मुझे ये गंदी आदत है, मुझे ये गंदी चीज़ है, मेरे जीवन में ये गड़बड़ है, जब ये पता चलता है तो पहले जाकर उसको सीधा करो, जो पहले जाकर उसको सीधा करो, बाद में वो प्रार्थना को कंटिन्यू करना, बाद में वो अपने विश्वास की यात्रा को वापस से तय करना। लेकिन जब तक जो गलत है उसको सीधा नहीं करेंगे, जो कुछ भी अंधकार में है उसे प्रकाश में नहीं लाएंगे, तब तक आपकी प्रार्थना पूरी नहीं की जाएगी, तब तक आपकी भेंट स्वीकारी नहीं जाएगी, वो भेंट ऐसी ही रह जाएगी। परमेश्वर बाइबल ये कहती है हमारी भेंट परमेश्वर ने स्वीकारनी चाहिए। जब परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकारता है तो हम बहुत ही आशीषित हो जाते हैं, हमारे रास्ते खुल जाते हैं, बंद दरवाजे ओपन हो जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो है पहले उसको निपटा दो। क्या है हमारे जीवन में, आप देखो, आप अपने जीवन को परखो कि क्या गलत चीज़ है, क्या गलत आदत है, क्या गलत बातें हैं, कुछ भी हो सकता है, शायद वो छोटा सा पाप भी हो सकता है, शायद वो किसी के विषय में गुस्सा हो सकता है, शायद वो आपकी गंदी आदत हो सकती है। ये पाप का जो क्षण होते हैं वो चंद लम्हे होते हैं, किसी को गाली देना ये चंद लम्हे होते हैं, खून करना ये चंद लम्हे होते हैं, पापों के लिए चंद लम्हे, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही भयानक हो जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर जाते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि हम परमेश्वर से बहुत ही दूर जाते हैं और आशीषों से चूक जाते हैं, हम परमेश्वर के अभिषेक से चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी आड़ा है उसको हमने सीधा नहीं किया है, हमारे जीवन में जो गलत है उसको सीधा नहीं किया है, हमें सीधा करना चाहिए। परमेश्वर उस सीधे के बारे में बताता है, नहीं तो ये छोटी चीज़, ये छोटी गलती, ये छोटी गंदी आदत, ये छोटा पाप आपको एक बहुत बड़े गड्ढे में ढकेल देगा। इसलिए बाइबल बताती है आप विश्वास की यात्रा में है, लेकिन यात्रा के दौरान यदि तुम्हें पता चले कि मेरे जीवन में ये गलत है, पहले इसे निकालो, पहले इसे सीधा करो, पहले जाकर उस पर काम करो, और वापस से आप अपने भेंट को परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। नहीं तो ये तो ऐसे हो जाएगा, एक इंसान सरकारी दफ्तर में काम करता है और रिश्वत लेता है, बहुत रिश्वत लेता है, और परमेश्वर ऐसे कहता है मैं यदि 20,000 रिश्वत लूंगा ये महीने में तो 2,000 रुपये तेरे दान पात्र में दान डाल दूंगा। ये इसको सीधा करना नहीं बोलते, ये सीधा करना नहीं है, ये और ज़्यादा गलत है। इस सीधा करना यह है मैं रिश्वत पूरी तरीके से बंद करूंगा, जितना भी मुझको तनख्वाह आएगी, जितना भी मुझको पगार आएगा उसे मैं चलाऊंगा, और यदि कम पड़े तो परमेश्वर जिंदा है, वो उसी में से ही मुझे मार्ग निकाल कर देगा। एक छोटी सी गलती, एक छोटी गंदी आदत, आप समझो आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं और आपकी बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, आपके घर आनंद का माहौल है, और आप खीर बनाना चाहते हैं, खीर तो इतने सारे लोगों के लिए आपको खीर बनानी है तो कितना सारा दूध लगेगा, दूध लाएंगे, जाएंगे मार्केट से बहुत ही अच्छे दिल से आनंदी मन से जाएंगे, दूध लेकर आएंगे, शक्कर लेकर आएंगे, ड्राई फ्रूट लेकर आएंगे, और क्या क्या डालेंगे उसमें, केसर वेसर सब कुछ डालेंगे, बहुत पैसा खर्च करेंगे, आपका प्रेम बहुत जा रहा है इसलिए आप सब खरीदी करके लाएंगे, बाद में गैस पर चूल्हा जलाएंगे, उसके ऊपर बहुत बड़ा भगोना या पतीला रखेंगे, उसमें बहुत ही शिद्दत के साथ उस पर दूध डालेंगे, शिद्दत के साथ उस पर शक्कर डालेंगे, कम नहीं होना चाहिए, मेहमान खुश होने चाहिए, केसर क्या डालेंगे, ड्राई फ्रूट क्या डालेंगे, बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ, दूध उबल उबल कर आधा हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से रबड़ी बन गई,
और समझो कितना बड़ा भगोना है, कितना बड़ा पतीला है, ये 10-20 लीटर दूध उसमें डाला है, बहुत मस्त अच्छा बना है। और उसी दौरान आपको क्या सूझा क्या मालूम, आप जाकर एक मुट्ठी मिट्टी लाए और उस भगोने में डाल दिया, इससे भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो क्या लगता है आप, आपने जो इतनी शिद्दत के साथ, इतने मेहनत के साथ जो बाज़ार में जाकर जो खरीदारी की और चूल्हे पर अपना समय गवाया, दूध को उबाला, शक्कर डाली, अच्छी सी खीर बन गई, अच्छी सी रबड़ी बन गई, और उसमें आपको क्या पता क्या हुआ, एक चम्मच मिट्टी डाल दी, तो क्या लगता है आपको टेस्ट आएगा? ऊपर ऊपर से खाएंगे तो शायद लगता है आएगा, लेकिन जब नीचे जाएंगे तब पता चलेगा इसमें मिट्टी डाली हुई है। सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा है, प्रार्थना अच्छा है, विश्वास की यात्रा अच्छा है, दान दे रहे हैं अच्छी बात है, किसी को सुसमाचार बता रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कोई चीज़ है जो छोटी सी है, भगोना कितना बड़ा है, दूध कितना सारा है, ड्राई फ्रूट्स कितने सारे डाले हैं, शक्कर भी कितने किलो डाली है पता नहीं है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन एक चम्मच मिट्टी काम पूरा बिगाड़ देगी। बिल्कुल उसी रीति से जब आप परमेश्वर की ओर चलते हैं, परमेश्वर के राहों पर चलते हैं, विश्वास की यात्रा पर चलते हैं, और एक गलती पूरा खेल बिगाड़ देगी, एक पाप पूरा खेल बिगाड़ देगा, एक पाप आपकी विश्वास की यात्रा को तहस महस कर देगा। इसलिए पाप नहीं करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो गलती छोटी हो या बड़ी हो, वो टेढ़ी चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, वो गलत चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, पहले उस पर काम करो और उसके बाद में जाकर आप परमेश्वर के पास आओ। बाइबल में ऐसा के विषय में बताया गया है, ये ऐसा अपने पिता के द्वारा बहुत ही आशीषित इंसान था, उसके पास बड़े होने का एक बहुत अधिकार था, और परमेश्वर ने उसके पिता के द्वारा उसको बहुत ही आशीषित कर रखा था। वे दो भाई थे, लेकिन उन दो भाइयों में से ये ऐसा बहुत ही आशीषित था, परमेश्वर ने उसके पिता के द्वारा उसको आशीषित किया था। लेकिन एक दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसा बहुत ही भूख से तरमरा उठता है, भूख से वो बहुत ही व्याकुल हो उठता है, और अपने भाई से कहता है मुझे खाने के लिए दे, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, मैंने कुछ पकड़ा नहीं है, आज कुछ नहीं है, मुझे खाने के लिए दे, तुमने तो पकाया है ना। तो उसका भाई बहुत शातिर दिमाग का था, उसने कहा कि मैं तुझे खाने को दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास जो बड़े होने का अधिकार है वो मुझे दो। और ऐसा बोलता है ले, मेरे कुछ काम का नहीं है, अगर जीवन ही नहीं बचा तो बड़े होने के अधिकार का क्या करेगा, अगर मैं यही भूख से मर गया तो बड़े होने के अधिकार का क्या करेगा। और उसकी यही पर बहुत बड़ी गलती हो गई, एक टाइम के खाने के लिए उसने अपना बड़ा होने का अधिकार को गवा दिया, एक टाइम के खाने के लिए। कितनी सीधी बात लगती है या कितनी आम बात लगती है, एक टाइम का खाना, लेकिन उस खाने के लिए ऐसा उन्हें अपने बड़े होने के अधिकार को गवा दिया, एक बहुत बड़े आशीष को, एक बहुत बड़े वरदहस्त को ऐसा उन्हें गवा दिया। क्यों? क्योंकि एक टाइम का खाना उसको आड़े आ गया, एक टाइम का खाना उसके लिए रुकावट बना, और उस एक टाइम के खाने के लिए, एक ही टाइम के खाने के लिए, एक महीने के नहीं, एक साल के नहीं, एक ही टाइम के, क्योंकि वो वहाँ पर भूख से व्याकुल हो रहा था, और उसे ये बात भी पता नहीं कि सामने वाला इंसान मुझसे क्या मांग रहा है, मुझसे 10 रुपया नहीं मांग रहा है, 50 रुपया नहीं मांग रहा है, या मेरी जायदाद नहीं मांग रहा है, सारा बड़े होने का अधिकार शारीरिकता से लेकर आध्यात्मिकता तक सारी चीज़ों में जो उसको बड़े होने का अधिकार था, जो परमेश्वर की ओर से उसके पिता के द्वारा उसको मिला था, सारे अधिकार पर पानी फिर गया, सारे अधिकार एक ही क्षण में, एक ही पल में उसने गवाया, बड़े होने के अधिकार को उसने एक ही पल में गवाया। क्यों? क्योंकि एक वक्त का खाना वो अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाया। कितनी सीधी बात लगती है, देखा जाए तो आम बात है, लेकिन यही आम बात उसके लिए नुकसान का कारण बनी, यही आम बात उसको उसके नुकसान का कारण बनी, उसके उसके जो बड़े होने का अधिकार जो गवाया उसने, वो उसका कारण बनी एक टाइम की भूख। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम छोटी चीज़ों के लिए, अल्प चीज़ों के लिए स्वर्ग को खोना नहीं है, स्वर्ग की चीज़ों को, स्वर्ग के वैभव को, स्वर्ग की महिमा को खोना नहीं है। हम बहुत सी चीज़ों में, जो इस संसार में बहुत ही, मराठी में बहुत ही सुंदर शब्द है, तुटपुंजा गोष्टींसाठी स्वर्गातल्या माहोलला मुकू नका, तुटपुंजा गोष्टींसाठी, एक वेळच्या जेवणासाठी त्याने एक वेळच्या जेवणासाठी स्वर्गातून मिळालेला आशीर्वाद त्याने मुकला, एक वेळच्या जेवणासाठी, एक वेळच्या भूकेसाठी। ऐसी रीति से जब एक छोटी सी चीज़ों के लिए आप अपने हृदय में जो गुस्सा भरा है, आप उसके द्वारा स्वर्ग से मुक सकते हैं, आपके जीवन में जो गंदी आदत या गंदी चीज़ है उसके कारण आप स्वर्ग से मुक सकते हैं, आप उससे अलग जा सकते हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो आपके हृदय में जिस किसी के विषय में गुस्सा है पहले उसको निकाल दो। परमेश्वर हर एक छोटी चीज़ों के विषय में कहता है, हर एक छोटी चीज़ों के विषय में परमेश्वर बताता है। एक छोटी चीज़ आपको बहुत बड़े नुकसान का, एक छोटी सी गलती आपके बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। शायद वो आपकी तमाकू लगाने की, कोई, मैंने बताया था कि शायद रविवार के दिन काउंसलिंग थी अपनी, और ये प्रार्थना काउंसलिंग कर रहा था, तो उसी दौरान एक भाई आया और उसने कहा कि मुझे एक बिज़नेस खोलना है या एक व्यवसाय करना है।
तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो हाथ जोड़े आंखें बंद की, मैंने प्रार्थना की, और तब पता चला कि एक व्यसन की आत्मा, बुरी आदत की आत्मा उसके पास है। इसका मतलब ये व्यसन में है। पहले मैंने उससे पूछा, क्या तुम व्यसन करते हो? हाँ हूँ किया, और बाद में कहा नहीं मुझे तम्बाकू का व्यसन है। तो मैंने कहा पहले तम्बाकू छोड़ दो, पहले यदि तुम्हें कुछ किसी के लिए प्रार्थना करनी है तो बिजनेस खोलने के लिए प्रार्थना नहीं करो। बिजनेस में मुझे आशीष आए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, रात चौगुनी, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, इसके लिए प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना इसके लिए करना कि तुम्हारा जो तम्बाकू का व्यसन है पहले वो छूटे, तो जाकर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, तो जाकर आप गंदी आदतों को छोड़ेंगे, तो परमेश्वर से आपका मेल मिलाप होगा, और जब जब मेल मिलाप होगा तब तब परमेश्वर के राज्य से आपके लिए आशीष उतरेंगी। पहले ये चीज़ करना है। इसका मतलब जब हम परमेश्वर की राह पर होते हैं, जो चीज़ें हैं छोटी हो सकती है, दिखने में छोटी है, जितने दिखने में आम बात दिख सकती है, लेकिन ये आम बात, ये छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। जैसा कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोत, यही यीशु मसीह का विश्वासघाती चेला ठहरा, इसी ने ही यीशु मसीह को पकड़वाया था। लेकिन जबकि परमेश्वर ने 12 इसराइल के वंशों में से 12 चेलों को चुना, तो 12 के 12 लोगों को परमेश्वर ने ये अधिकार दिया था कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया था, मरे हुए को जिलाने का अधिकार दिया था, कोड़ियों को चंगा करने का अधिकार दिया था, लंगड़ों को चलाने का अधिकार दिया था, और उसी अधिकार के तहत यीशु मसीह के चेले काम कर रहे थे, उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, उनके द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कार्य दिख रहे थे, और उनके द्वारा लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे, और वे भी देख रहे थे कि अरे हम तो बोलते हैं और अशुद्ध आत्माएं निकल जाती है, यहाँ इंसान इंसान का नहीं सुन रहा है, यहाँ बच्चे अपने माँ बाप का नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पति अपनी पत्नी का नहीं सुन रहा है, यहाँ पत्नी अपने पति का नहीं सुन रही है, लेकिन हम बोलते हैं तो अशुद्ध आत्माएं सुनती है और छोड़कर चली जाती है। लोग अपने जीवन में निजात पाते हैं, लोग अपने जीवन में शिफा को पाते हैं, और उसको उनको बहुत बड़ा आनंद हुआ। वे आनंद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु तेरे नाम से तो हम अशुद्ध आत्माओं को भी वश कर सकते हैं, तेरे नाम से अशुद्ध आत्माएं डरती है, हमसे भागती है, डरती है वो। यीशु मसीह कहता है मेरे नाम से अशुद्ध आत्मा भागती है या डरती है, इसका आनंद ना करना, बल्कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की किताब में लिखा गया है, उसका आनंद तुम करना। तो यह अनुभव यहूदा इस्करियोत भी ले रहा था, ये वही यहूदा इस्करियोत जो विश्वासघाती ठहरा, लेकिन उसकी एक गलती थी। यीशु मसीह ने चुनने से पहले वो एक चोर इंसान था, लेकिन यीशु मसीह ने चुनने के बाद भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा था। वो झोला जो उसके पास रखा गया था उसमें से वो थोड़ा थोड़ा करके गिने चुने पैसे वो चोरी किया करता था, ये उसकी एक आदत थी जो गंदी थी, जो गलत आदत थी, और इसी गलत आदत का रूपांतरण बहुत बड़े पाप में हो गया। छोटे छोटे पैसे चुराता था, छोटी छोटी अमाउंट में वो पैसे, छोटे छोटे मूल्य में वो पैसे चुराता था, चीज़ें चुराता था, और इसी चोरी करने की आदत से वो इतना बहुत बड़ा पाप कर बैठा कि कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया, और वो यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया कुछ चांदी के सिक्कों के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी वो छोटी चीज़, जब वो छोटी थी तब उसने नहीं निकाली, उसका बहुत बड़ा रूपांतर हुआ, और वो उसको ये भी नहीं समझ आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, छोटे से कुछ किने चुने सिक्कों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने जा रहा हूँ, मैं मेरे प्रभु को पकड़वाने जा रहा हूँ। जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह छूट नहीं रहा है, वरन उसके ऊपर केस पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, झूठी गवाहियां दे रहे हैं, यीशु मसीह को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जब उसने देखा उसका हृदय में पश्चाताप आ गया, वो पश्चाताप किया और जाकर वो चांदी के सिक्के जिनके द्वारा उन्होंने लिए थे उनको वो वापस जाकर देकर आया। छोटी सी चीज, छोटी सी गलती, छोटी सी बातें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये आप करते हैं उन चीज़ों पर काम, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस पर काम करें। यदि कोई व्यसन में है, व्यसन नहीं छूट रहा है, कोई गंदी आदतें नहीं छूट रही है, लेकिन क्या तुमने उसके लिए बराबर से प्रार्थना की? क्या तुमने उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बराबर से समय दिया? हे प्रभु मेरा ये तो इतना व्यसन है, छोड़ दे, ऐसा करके छोड़ दिया। क्या आपने बहुत सा समय देकर परमेश्वर के साथ बैठ बैठ कर आपने ये बताया, प्रभु मुझे ये आदत को छोड़ना है, प्रभु मुझे ये आदत से निजात चाहिए, प्रभु मुझे ये गंदी आदत छोड़नी है, प्रभु मुझे ये पाप छोड़ना है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप पाप ना करें, आप छोटी छोटी गलती ना करें। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है ये सब तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, सब मेरा चंगा जा रहा है, सब मुझे सब कुछ मस्त में चल रहा है, लेकिन एक छोटी गंदी आदत में ये तो चलता है, परमेश्वर इतना संभाल लेगा, परमेश्वर इतना कर लेगा, परमेश्वर को ये समझता है। ऐसा करके बहुत से लोग अपनी छोटी गलतियों का समर्थन करते हैं और गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आप समर्थन नहीं करना, जो कुछ भी गलत है पहले उसे निकाल दो, जो कुछ भी पाप है पहले उसे प्रामाणिकता से, वफादारी से उसे छोड़ने का, परमेश्वर को वो वफादारी दिखनी चाहिए, परमेश्वर को वो वफादारी दिखनी चाहिए। और जब वो वफादारी दिखेगी, आप लगातार इसे प्रार्थना में बने रहेंगे, और आपके लोग लगातार इसे प्रार्थना में बने रहेंगे, तो आपकी वो आदत छूट जाएगी,
वो गलत बातें छूट जाएंगी, वो पाप छूट जाएगा और आप परमेश्वर के राज्य में आ सकेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है जब भेंट चढ़ाओ और भेंट चढ़ाते समय तुम्हें कुछ याद हो कि ये गलती है, ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ अंधकार भरी बातें हैं, पहले मुझे उसे निकालना चाहिए, गलती को सुधारना चाहिए, गलत काम सीधे करने चाहिए, जब ये पता चलता है तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो। उसके लिए टाइम ना गंवाना। हो सकता है आज वो छोटी चीज़ है, हो सकता है वो आज वो छोटी चीज़ दिख रही है, शायद आगे जाकर वो बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल यहूदा इस्करियोत के जीवन के समान छोटी छोटी चीज़ों में चोरी करता था, लेकिन इतना बड़ा उसने किए, इतना बड़ा उसने गलत काम किया कि उसने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया। गलत अच्छे और बुरे का वो समझ नहीं पाया, बाद में पश्चाताप हुआ, वो अलग की बात है। लेकिन हमें ये बात बहुत ही विस्तार से और गंभीरता से सीखनी चाहिए कि जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें नहीं चुकना है। अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं, भारत में रहते हैं, अभी यहाँ का तापमान कितना है मुझे पता नहीं, हो सकता है 34 या 35 रहेगा। इतनी गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं होती, पसीने की धारा लगी रहती है, और जब हम किसी ठंडे माहौल में जाते हैं या एसी रूम में जाते हैं कितना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये गर्मी सहन नहीं हो रही है। लेकिन जब जो नरक है उसकी गर्मी तो बहुत इससे भी बदतर है, लोहा पिघल जाएगा उससे ज़्यादा गर्मी वहाँ पर है। और वहाँ पर एक बार गए तो उसके बाद में पश्चाताप करने का चांस नहीं है, पश्चाताप करने का मौका नहीं है। जो कुछ भी है, मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम, मनुष्य का जन्म ये एकमात्र रास्ता है स्वर्ग तक जाने का। एक बार आपके आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो आपको पश्चाताप करने का या उस गलत बातों को छोड़ने का या गलत बातों को सीधा करने का मौका नहीं है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम जब आत्मा छोड़कर चली जाए, प्राण शरीर को त्याग दे, उसके बाद में अरे इतना छोटा चीज़ के लिए मैंने स्वर्ग से मैं मुक गया, अरे बाप रे क्या हो जाएगा। ये बात हम एक बार जलंधर गए थे, ट्रेन की टिकट निकाली थी और वेटिंग लिस्ट थी, आपको यदि पता रहेगा वेटिंग लिस्ट थी हमारा, 10 नंबर वेटिंग था। रोज मैं देखता था आज कन्फर्म होएगी क्या, आज कन्फर्म होएगा, अरे कन्फर्म नहीं हुई तो किसी कहाँ पे जाकर बैठना पड़ेगा, तो कन्फर्म होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए। और यात्रा का समय, यात्रा की तारीख आ गई, 12 बजे ट्रेन थी, मैं सुबह सुबह 6 बजे देख रहा था अभी कन्फर्म हुई क्या, कन्फर्म हुई क्या। और बराबर जो मेरा 10वां नंबर था वो पहला नंबर आया वेटिंग लिस्ट का, और वेटिंग लिस्ट बंद हो गई। एक ही नंबर से मैं चूक गया, एक ही नंबर से, जो लोग मराठी में बोलते काठा और पास होने, 35 की जगह 34 पड़ गए, तो उसको कैसा लगता है, अरे एक मार्क से रह गया, अभी मुझे एक साल करना पड़ेगा, अभी मुझे वही पढ़ाई करनी पड़ेगी, वही मैडम को देखना पड़ेगा, वही लेक्चर सुनने पड़ेंगे, और दूसरे लोग आएंगे, अभी मुझे चिढ़ाएंगे नहीं, ये ना वो, कैसे लगता है। बिल्कुल उसी रीति से यदि इस आत्मा ने शरीर को त्याग दिया और पता चला कि हम स्वर्ग में नहीं है, तो किधर जाकर पश्चाताप करेंगे। इतनी सी गलती, इतनी सी बात थी, अरे मैं वही के वही निपटा देता था, इतना सा गुस्सा था, मुझे खाली मेल मिलाप करना था, अरे मैं तो वही का वही निपटा देता था, अरे मैं गलत आदत की वजह से नरक में आया हूँ, अरे मैं वही पे छोड़ देता था, वापस से मुझे नीचे भेज दो मैं छोड़ दूंगा, वापस से मुझे भेज दो मैं अभी जाकर भाई से मेल मिलाप करूंगा, उसके जाकर पप्पी भी लूंगा, लेकिन पहला मुझे छोड़ दो। ऐसा कर, लेकिन टाइम नहीं है। बाइबल बताती है जबकि वो अमीर इंसान और दरिद्र लाजर जब मर गए, उनमें से किसी को भी पृथ्वी पर आने का मौका नहीं था। वो जो अमीर इंसान था वो स्वर्ग से चूक गया, कितना पार्टियां, कितनी पार्टियां करता था, उन पार्टियों में से एक थाली यदि उसने उस गरीब को दी होती या उसमें पार्टी के लिए जितना पैसा खर्च किया उसमें से थोड़ा सा पैसा उसके इलाज के लिए दे देता, तो शायद वह अब्राहम की गोद में यानी कि स्वर्ग में होता था। कितनी छोटी चीज़ें, इसलिए उस समय की आप राह देख रहे हैं क्या, कि जब आत्मा शरीर को छोड़ देगा उसके बाद में देखेंगे कि हम कौन से दरवाजे पे खड़े हैं। परमेश्वर क्या बोलता है, नरक के दरवाजे पे खड़ा हो या स्वर्ग के दरवाजे पे खड़ा हो, एक वो आपको ये बात पता चलेगी कितना बहुत बड़ा दुख होगा कि थोड़े छोटे से गुस्से के लिए आप स्वर्ग से चूक गए। एक छोटी सी गंदी आदत के लिए, ये दारू पीना का कितना समय लगता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कितना लगता होगा, एक बाटली गटकने में कितना टाइम लगता होगा, 15 मिनट, आधा घंटा, अरे आधा घंटा का आनंद यदि मैं छोड़ देता था तो अनंत काल के मैं स्वर्ग में होता था। ये 2 मिनट के तंबाकू को मलना है और मुंह में रखना है, कितना टाइम रखते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि ये 2 मिनट का काम मेरा तो स्वर्ग पूरा का पूरा चुक गया, तो कहाँ जाकर आप पश्चाताप करेंगे और कहाँ जाकर आपको मिलेगा। क्योंकि भगवद्गीता में तो लिखा है मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम, मनुष्य का जन्म यही एकमात्र रास्ता है स्वर्ग तक जाने का। यदि वो हो गया, मनुष्य जन्म खत्म हो गया, तो नहीं होगा। लिखा गया है देवानुग्रम हेतुग्रम यत मोक्ष संभवम
मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषम संशरयम। इसका मतलब यह है कि संसार में यदि एक इंसान को यदि मनुष्य का जन्म मिलता है तो वह परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। किसी महापुरुष का आश्रय मिलता है तो वह परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। और मरने के बाद जिसे मोक्ष मिलता है वही परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए परमेश्वर की दया में बने रहने के लिए जो कुछ भी है, इसके जीवन में क्या था जिसके विषय में हमने पढ़ा, केवल गुस्सा था या विरोध था, किसी भी जायदाद के विषय में हो सकता है या किसी और चीज़ों में हो सकता है, खाली विरोध था। परमेश्वर कहता है पहले ये बात इसको इधर ही छोड़ो, जो तुम भेंट मुझे समर्पित करने के लिए आए हो पहले इधर ही छोड़ो मेरे वेदी के पास और जाकर मेल मिलाप करके आओ। जब आप आएंगे यदि आपके जीवन में कुछ गलत होगा परमेश्वर आपसे उसी गलती के बारे में बोलेगा, तुम्हारे जीवन में ये गलती है जाकर पहले उसको सुधार लो, तुम्हारे जीवन में ये पाप है पहले जाकर उसको छोड़ दो। इसलिए जब आप दान में हमारे आशीष प्रार्थना घर के शिविर में होते हैं तो आपको ये बात पता चलेगी कि वहाँ पर समर्पण की प्रार्थना होती है। और उस समर्पण की प्रार्थना में कोई कोई लोगों को आदत होती है मसीरी लगाने की, काली मसीरी, कोई कोई लोग तो दारू की बॉटल भी लेके जाते हैं। मैं देखा मिले ये क्या, यहाँ पे बॉटल भी लेके आते हैं, वो कैन वैन सब मिले, ये बाप रे ये क्या। उनको ऐसे लगता है कि शिविर में जाने का है ना, कौन किसको देखता है, कैसे पता चलेगा, बाथरूम में जाएंगे काम करेंगे और आएंगे। लेकिन जब समर्पण की प्रार्थना होती है वहाँ पर समर्पण के विषय में बताया जाता है, तब वहाँ पर जाकर लोग समर्पण करते हैं कि अभी से ये नहीं, अभी से ये नहीं, अभी से ये नहीं होगा। और कितने सारे लोगों ने गवाहियाँ दी है कि समर्पण की प्रार्थना में गलत चीज़ें, गलत आदतें और नशीली चीज़ों का समर्पण करने के बाद वहीं से ही उनकी वो आदत छूट गई, परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया। बिल्कुल उसी रीति से आपको आपको आप परमेश्वर के पास आते हैं मेल मिलाप करने के लिए या परमेश्वर से आशीष मांगने के लिए या परमेश्वर का अनुग्रह तथा उसकी उपस्थिति में आने के लिए, जो कुछ भी गलत है पहले उस पर काम करो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यदि दूसरे के हृदय में आपके विषय में कुछ विरोध में है, इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है इसलिए उसको विरोध है, जाओ उसके साथ मेल मिलाप करो। यदि आपके हृदय में उसके विरोध में कुछ है, इसका मतलब उसने कुछ आपके विरोध में किया है, तुम ही जाओ और जाकर मेल मिलाप करो। लिखा ये नहीं गया कि उसको उसको फोन लगाओ, जिसको विरोध लगाए उसको फोन लगाओ और आओ, नहीं, तुमको करना है। इसका मतलब पहल हमको करनी है, बाइबल बताती है पहल आपको करनी है, कोई करे या ना करे आप पहल करें। आप परमेश्वर के ऊपर वचन रख विश्वास करने वाले लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं, आपकी बुद्धि प्रकाशमान हो चुकी है, परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम भेंट चढ़ाने आओ, जब तुम मेरे पास भेंट लेकर आओ तो वह भेंट बहुत ही शुद्ध और बहुत ही स्वस्थ होनी चाहिए। और ये भेंट स्वस्थ और शुद्ध कब होगी, जब आप अपने हृदय में परमेश्वर के विषय में जो कुछ भी बातें आपकी आपको कही गई है आप उस पर काम करते हैं। क्या आपने उस फरीसी और चुंगी लेने वाले इंसान के विषय में नहीं पढ़ा, ये वहाँ पर कहा गया है। एक फरीसी इंसान जो नियम शास्त्रों का बहुत ही कट्टरता से पालन करता है, वो जब प्रार्थना के लिए गया था तब उसने क्या प्रार्थना की थी, उसने कहा था कि मैं पापी इंसान नहीं हूँ, मैं इसका जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं, और मैं हफ्ते में दो बार उपवास करता हूँ और मेरे कमाई का दशांश मैं तुझे देता हूँ। वो जो करता था, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास एक गलत बात ये थी कि वो न्याय कर रहा था, ये पापी ये पापी ये पापी मैं निष्पापी, ये वो न्याय करना, और न्याय करना हमारा काम नहीं है। इसका मतलब उसकी उस गलत चीज़ के लिए उसकी दो वक्त की उपवास प्रार्थना का मान्यता नहीं दी गई, उसकी उस गलत चीज़ के लिए उसकी दशांश देने की बात का मान्यता नहीं दी गई, उसकी उस गलत चीज़ के लिए उसने जो कुछ भी अपने आप को संभाले रखा है उसको मान्यता नहीं दी गई। यदि आपके जीवन में आप जो काम कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति, उसके वचनों के प्रति, उसको यदि स्वर्ग से मान्यता चाहिए तो पहले गलत चीज़ों को सीधा करो। उस फरीसी इंसान के जीवन में क्या गलत था, वो न्याय करना चाहता था, वह अपने आप को बड़ा करना चाहता था। केवल इन दोनों चीज़ों के लिए उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, केवल इन दो चीज़ों के लिए उसकी प्रार्थना का सबसे पहले उत्तर नहीं आया, बाद में आया नहीं आया। लेकिन बाइबल बताती है जबकि वो चुंगी लेने वाला इंसान था, उसने अपना मुंह नीचे कर परमेश्वर के सामने पश्चाताप के आंसू की तहत और पश्चाताप के आंसू के द्वारा अपने पश्चाताप को परमेश्वर के सामने व्यक्त किया, उसी घड़ी उसी दौरान उसकी प्रार्थना सुनी गई और वो धर्मी ठहरा कर घर को लौट गया। कितनी अच्छी बात है, जो कुछ भी आप परमेश्वर को भाता है वो करते हैं, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, और जब आप वो करते हैं, आप छोटी सी चीज़ भी करेंगे वो परमेश्वर के द्वारा उसका समर्थन होगा। आप छोटी चीज़ भी करेंगे तो परमेश्वर के द्वारा उसका समर्थन होगा। क्या आपने इस बात को पढ़ा नहीं कि जबकि दान के समय में लोग वहाँ पर बहुत से मूल्य की तादाद में दान कर रहे थे, वहाँ पर एक औरत आई जिसने 2 रुपया डाला था, और उसका 2 रुपया और बहुत से लोगों का पैसा बहुत ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसका कम था, लेकिन इसका प्यार सच्चा था।
इसका प्यार परमेश्वर की परमेश्वर पर था, इसका उसका प्यार जो था, उसका दान जो था वो त्यागपूर्ण था, और इसी त्यागपूर्ण प्रेम के लिए परमेश्वर ने उसकी दान की प्रशंसा की और कहा इसने सबसे अधिक दान दिया है। छोटी चीज भी करेंगे, छोटी चीज परमेश्वर समर्थन देगा, लेकिन कब? जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी गलत है उसके ऊपर काम करते हैं, बाकी सब चंगा जा रहा है, बाकी सब आप प्रार्थना में आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना सभाओं को सुन रहे हैं, गवाहियों को सुन रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बनी की बनी रही है, एक गलत चीज़ को आपने अभी तक छोड़ा नहीं है, पहले उस पर काम करो। शायद वो छोटी से छोटी हो सकती है, पहले उस पर काम करो। कितनी भी छोटी हो सकती है, बाइबल के तहत यदि वो गलत है तो गलत ही है, उसका समर्थन नहीं करना। यदि बाइबल में उसके उसके विषय में गलत लिखा गया है तो वो गलत ही है, उसका समर्थन नहीं करना, उसे वही छोड़ना, उस पर वही काम करना, और यदि नहीं हो रहा है तो परमेश्वर से कहना कि तेरी स्वर्ग से सामर्थ्य मुझ में उतार दे ताकि मैं ये गलत चीज़ छोड़ूं और तेरे राह पर, तेरे वचनों पर और तेरे विश्वास पर चलता रहूं। परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, वो व्यवस्था को लगाने वाला परमेश्वर है, और उसकी व्यवस्था के तहत जब आप काम करेंगे तो आपसे भला आदमी कोई नहीं होगा, आपसे आशीषित ज़्यादा कोई नहीं होगा। आप बोलेंगे काम हो जाएगा, और आप प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग से उत्तर आएगा ही आएगा, और आपके जीवन में गवाही बनेगी। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी छोटी मोटी गलत जो कुछ भी बातें हैं, जो आज तक हमारे निदर्शन में नहीं है, जो आज तक हमारी आँखों के सामने नहीं है, पवित्र आत्मा इस वचन के तहत और इस आज के दिन से ही हमें वो बातें दिखाए, और उन बातों को सीधा करने के लिए, जो गलत है उसे सीधा करने के लिए, जो बुरा है उसे अच्छा करने के लिए, जो अंधकार में है उसे प्रकाश में लाने के लिए स्वर्ग से सहायता, अनुग्रह, समझ और सामर्थ्य दे। इसलिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वे अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वे अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।